हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के बाद 6:30 और हम लोग को जाना है हॉस्पिटल। मतलब कि मेरी भाभी है, छोटी है मेरे से, मेरा भाई छोटा है मेरे से, उनका डिलीवरी है। डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन करने को, टाइम तो था अभी 2 अक्टूबर, लेकिन डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन करने को, तो हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल में। आज निर्जला जीवतिया भी है, लेकिन क्या करें, जो भगवान की मर्जी। तो आगे क्या होगा मैं आपको बताऊंगी। 8 बजे से जाना है, तब तक थोड़ा सा घर का काम कर लेती हूँ फटाफट। और फ्रेंड्स, हम लोग हॉस्पिटल में आ गए हैं। रास्ते का रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत जल्दबाजी था, तो अभी वो पोती में चली गई है ऑपरेशन के लिए। और बाहर निकलती है तो फिर आपको दिखाएंगे, बताएंगे क्या हुआ। अभी गई है ऑपरेशन के लिए, हम लोग बाहर फिर वेट कर रहे हैं। हाँ, वीडियो है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया मेरा बाबू। तो ये देखिए बेबी आ गया है बाहर, और इसकी दादी इसको गोद में लेके खिला रही हैं। और उसको अभी होश नहीं आया है, वो अभी ओटी में ही है। बस बेबी को लोग लेके बाहर आया है और दे दिया है कि आप लोग लीजिए, खिलाइए, देखिए। तो हम लोग इसको खिला रहे हैं, सब लोग बारी बारी से अपने अपने गोद में ले रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आगे का रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं घर आ गई, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और जितिया का व्रत भी था, कथा करना था, इसलिए मैं घर आ गई। और घर आके कथा की, इसलिए मैं आगे का रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। तो इसलिए मैं दूसरे दिन जब जाऊँगी हॉस्पिटल तो आपको दिखाऊँगी। और आप मेरा फेस देख के समझ ही गए होंगे कितना तबीयत ख़राब है, एकदम कितना गंदा फेस हुआ है मेरा। तो इसलिए फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।